तो आज हम जिस मूवी की बात करेंगे वो एक थ्रिलर हॉरर मूवी है जिसकी डायरेक्टर है जेनिफर लिंच और मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। और इस मूवी के एंड में जो होने वाला है उसे आप ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मूवी बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस से भरी हुई है, तो आप हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी पहलू न छूटे। शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक घर में एक बॉक्स में कुछ कर रहा होता है। उस बॉक्स में कई सारे आईडी कार्ड्स थे जिससे कि वो एक आईडी कार्ड लेता है और तभी वहाँ पर दरवाजे की डोरबेल बजती है। वो बच्चा 10 तक की गिनती अपने मन में करता है और 10 की गिनती से पहले ही वहाँ का दरवाजा जाकर खोल देता है। उस दरवाजे से एक आदमी घर के अंदर एंटर होता है जो कि किसी लड़की को जबरदस्ती पकड़कर लाया था। वो उसे अंदर रूम में ले जाता है जहाँ पर अंदर से उस लड़की के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आती है। फिर वो बच्चा उस आईडी कार्ड को लेकर बैठ जाता है और रोने लगता है और फिर इसी के साथ ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो क्या थी उस बच्चे और उस आदमी की कहानी, ये जानेंगे हम आगे वीडियो में। अब ये सीन कट होता है और लगभग 2 महीने पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वही लड़का अपनी माँ के साथ थिएटर में मूवी देखने के लिए जा रहा था। उसके पिता उसे और उसकी माँ को थिएटर में छोड़ते वक्त कहते हैं कि वो बस से घर ना आए बल्कि टैक्सी से जाए, और वो उन्हें टैक्सी के पैसे देकर टैक्सी से जाने पर जोर देता है। फिर जब वो थिएटर से लौटते हैं तो उन्हें टैक्सी बाहर ही खड़ी हुई मिलती है जिसमें वो बैठकर अपने घर की तरफ जाने को कहते हैं। टैक्सी ड्राइवर उन्हें घर के रास्ते पर नहीं ले जाता, वो टैक्सी को शहर से बाहर मोड़ लेता है। वो कार को लॉक कर देता है ताकि वो दोनों कार से न भागे और फिर शहर से बाहर एक खेत में गाड़ी को ले जाकर रोक देता है जहाँ पर वो उस बच्चे की माँ को पीटता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। फिर वो अपनी कार को अपने घर की ओर ले आता है जहाँ पर वो टैक्सी से उस लेडी को घसीटता हुआ बाहर निकालता है और अंदर रूम में ले जाता है। वो बच्चा उस कार में ही लॉक्ड होता है और उसे उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज़ें आती है, जिसके कुछ देर के बाद में वो आदमी घर में से बाहर आता है और उस बच्चे को भी घसीटता हुआ घर के अंदर ले जाता है। वो उस बच्चे को जोर जोर से पीटता है और उससे कहता है कि उसकी माँ अब कभी भी वापस नहीं आएगी, उसे जिंदगी भर यहीं पर रहना है और अब वो इसकी आदत डाल ले। उसे इस घर में रहने के दौरान पूरा घर और गैरेज साफ करना होगा। उसे वही खाना मिलेगा जो कि वो आदमी यानी कि बॉब अपनी प्लेट में झूठा छोड़ेगा। वो कभी भी अपनी मर्जी से कुछ भी खा या पी नहीं सकता, और जब कभी भी बॉब शहर से लौटकर अपने घर पर आएगा तो उस बच्चे को डोरबेल बजने के 10 सेकेंड के अंदर वहाँ का दरवाजा खोलना होगा। बॉब कई लड़कियों को किडनैप करके यहाँ पर लाता है और उनका रेप करके उनका कत्ल कर देता है। उस बच्चे को रोज अखबार की खबरें ढूंढना है जिनमें इन लापता लोगों की खबरें होती है, और उसे इन खबरों को अखबार से काट कर बॉब की स्क्रैपबुक में चिपकाना है। बॉब आगे उस लड़के को ये बताता है कि अगर उसने कुछ भी उसके खिलाफ किया तो वो उसकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करेगा। अब यही उस लड़के का घर है और यही उसकी दुनिया है, और उस लड़के का नाम अब से रैबिट होगा और वो मरे हुए लोगों को दफनाने का काम भी करेगा। रैबिट कुछ दिनों तक तो वहाँ पर ठीक से ही रहता है, लेकिन एक दिन वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था और दूर दूर तक बस खेत ही खेत थे। बॉब रैबिट को भागता हुआ पकड़ लेता है और उसे वापस लाकर चेन से बांध देता है, और वो उसे हमेशा सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रखता है। बॉब टैक्सी चलाने का काम करता था और वो शहर से लड़कियों को पकड़कर यहाँ पर लाता है और फिर उनका रेप करके उनकी हत्या करने के बाद में उन्हें वहीं घर के बेसमेंट में दफना देता है। बॉब एक सीरियल किलर था और वो कई सालों से लोगों को मार रहा था, और वो आने वाले कई सालों तक लोगों को ऐसे ही मारता रहता है। बॉब को लोगों को मारते मारते कई साल बीत जाते हैं और रैबिट भी बड़ा हो जाता है। बॉब अभी भी टैक्सी चलाता था और एक दिन उसकी कार में एक पिता और उसका बेटा आकर बैठ जाता है जिनके रिश्ते ठीक नहीं थे, और बॉब उन्हें देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि बॉब के पिता उसे बचपन में बहुत पीटते थे और उसका छोटा भाई घर छोड़ के भाग गया, जिसके बाद बॉब ही उसके घर में अकेला बचा था जिसे कि उसके पिता तंग किया करते थे। बॉब जब शहर से लौटकर अपने घर पर आता है तो वो रैबिट के पास में बैठ जाता है और उसे रैबिट के प्रति पिता का भाव आने लगता है। वो रैबिट को पढ़ने के लिए बुक्स देता है और उसे अपनी तरह लड़कियों को किडनैप करने को कहता है। रैबिट बॉब को ऐसा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वह किसी भी लड़की को किडनैप करके मारना नहीं चाहता था, जिस पर बॉब रैबिट को उसके पिता की फोटो दिखाता है जिससे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी।
उसने रैबिट की माँ के मरने के बाद में दूसरी शादी कर ली और उनका एक बेटा भी था। रैबिट अपने पिता के बारे में जानकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्होंने उन्हें कभी भी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। रैबिट बॉब से सारी चीजें सीखने के लिए राजी हो जाता है और रैबिट को बॉब ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि इंसानी शरीर की जानकारियों की बुक्स देता है। बॉब रैबिट को कई तरह की बुक्स देता है और रैबिट का टेस्ट समय समय पर लेता है और उसके नॉलेज को चेक करता है, जिसमें कि रैबिट कभी भी फेल नहीं होता और बॉब के सवालों का सही सही जवाब देता है। एक दिन बॉब एक लड़की को किडनैप करके अपने घर में लाता है, लेकिन वो बॉब से बचकर भाग जाती है और रैबिट से मदद मांगती है। लेकिन रैबिट उस लड़की के खुले बदन को देखकर डर जाता है और इतने में बॉब पीछे से आकर उस लड़की के सिर में चाकू मार देता है। रैबिट कई सालों से इस घर में चेन से बंधा हुआ था और वो ये देखता है कि बॉब नींद में जोर जोर से चिल्लाता है क्योंकि बॉब को बचपन में उसके पिता बहुत मारते थे। फिर एक दिन बॉब एक प्रोस्टिट्यूट को वहां पर लेकर आता है और उसे मार डालता है, जबकि रैबिट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था और फिर रैबिट को उस लड़की को दफनाने का काम भी करना था। वो आज भी उसकी माँ की कब्र पर जाता था और उससे याद करता था। बॉब अपने द्वारा मारे गए लोगों की न्यूज को काटकर एक स्क्रैप बुक में जमा करता था। उसके मर्डर्स इतने बढ़ गए थे कि वो स्क्रैप बुक पूरी तरह से भर चुकी थी और उसमें एक भी पन्ना खाली नहीं था। और अब बारी थी रैबिट की, यानी कि रैबिट अब बॉब की जगह लेने वाला था, जैसे कि बॉब ने किसी और की जगह ली थी। बॉब को औरतों से नफरत थी क्योंकि उसके पिता उसके बचपन में कई सारी औरतों को वहां पर लाते थे और उसके सामने ही सब कुछ करते थे। और अभी तक बॉब को औरतों से इतनी नफरत थी कि वो उन्हें रेप करके उन्हें मार डालता है। बॉब अब ये चाहता था कि उसकी जगह अब रैबिट ले और वो कॉलेज की एक बुकलेट को रैबिट के सामने रखता है और उसे जबरदस्ती एक लड़की को चूज करने को कहता है। फिर शाम होते ही बॉब उस लड़की को कॉलेज से किडनैप करके रैबिट के लिए ले आता है और रैबिट को अपना पहला शिकार करने को कहता है। रैबिट किसी भी लड़की के साथ में कुछ गलत काम करना और उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन बॉब रैबिट से ये कहता है कि अगर उसे इस चेन से छुटकारा पाना है जो कि उसके पैर में हमेशा बंधी रहती है, तो उसे उस रूम में जाना होगा, उस लड़की का रेप करके उसे मारना होगा। जिसके बाद बॉब रैबिट को उस रूम में भेजता है जहाँ पर वो लड़की थी और वो रैबिट से कहता है कि अगर उसने उस लड़की को नहीं मारा तो वो उन दोनों को मार डालेगा। और फिर ये कहकर बॉब वहाँ से चला जाता है। रैबिट अब अकेला उस रूम में था जहाँ पर वो लड़की उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उस लड़की को ये लग रहा था कि रैबिट अब उसे मारने वाला है। वो लड़की 18 या 19 साल की थी और वो रैबिट को अपना नाम एनजी बताती है और उससे बात करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे मारे नहीं। एनजी रैबिट से पूछती है कि वो यहाँ पर कब से है और रैबिट एनजी को ये बताता है कि वो जब से 9 साल का था तब से यहीं पर है। एनजी को रैबिट की इस हालत के ऊपर दया भी आती है और उससे यहाँ से भागना भी था। वो रैबिट से भागने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है और अगर वो यहाँ से भागे तो वो दोनों मारे जाएंगे। फिर एनजी रैबिट को सेड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि रैबिट उसे मारे नहीं और रैबिट भी उसके शरीर को छूने लगता है। और तभी अचानक बॉब आ जाता है और वो देखता है कि रैबिट सिर्फ खड़ा हुआ है, जिसके चक्कर में रैबिट उस लड़की के पेट में चाकू घुसा देता है। और कुछ देर के बाद में रैबिट एनजी को घसीटता हुआ बेसमेंट की तरफ ले जाता है और बॉब को ये लगता है कि रैबिट ने अपना पहला शिकार कर लिया। रैबिट एनजी के शरीर को ठिकाने लगाकर आता है और आकर बॉब से कहता है कि अब वो खुद अपना शिकार चुनेगा, जिसे सुनने के बाद बॉब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन बॉब रैबिट के लिए नए कपड़े लेकर आता है और उसे अपने बेटे की ही तरह अपने पास में बैठाता है, जिसके बाद वो रैबिट को लेकर शिकार के लिए निकल जाते हैं। जब दोनों शहर में पहुंचते हैं तो बॉब रैबिट को शहर का रास्ते दिखाता है और रैबिट से किसी लड़की को चुनने को कहता है। रैबिट को कोई भी लड़की समझ में नहीं आती कि उसका शिकार कौन होने वाला है, जिससे कि बॉब परेशान हो जाता है और वो रैबिट से कहता है कि वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। उन दोनों को घर जाकर रैबिट और एनजी की प्राइवेट वीडियो देखने की ज़रूरत है और उसी से वो ये पता लगाएगा कि वो तैयार है या नहीं। दरअसल बॉब ने जब एनजी और रैबिट को कमरे में भेजा था तो उसने वहाँ पर एक हिडन कैमरा लगा दिया था ताकि वो रैबिट पर नज़र रख सके, जिसे सुनने के बाद में रैबिट बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है और उससे कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। बॉब अपने घर जाते समय ये नोटिस करता है कि रैबिट ने टैक्सी के दरवाजे पर हेल्प लिखा था और रैबिट इसीलिए शहर में आया था कि ताकि कोई उस हेल्प वाले निशान को देखे और उसे बचाकर यहाँ से ले जाए,
लेकिन बॉब ने उसे पहले ही देख लिया और वो उसे मिटाकर रैबिट को वापस अपने घर ले जाता है। जब बॉब ने रैबिट और एनजी के वीडियो वाली बात कही थी तो रैबिट उसे सुनकर बहुत डर गया था, क्योंकि रैबिट ने एनजी को जान से नहीं मारा था। रैबिट को अपने नॉलेज से ये पता था कि वो एनजी को कहाँ पर चाकू मारे कि उसे ज़्यादा चोट न लगे। वो एनजी को एक लाश की ही तरह बॉब के सामने से घसीटता हुआ बेसमेंट में ले गया था और उसे वहाँ पर छुपा दिया था कि ताकि बॉब को उस पर शक न हो। बॉब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे पता चल जाता है कि एनजी जिंदा है और वो एनजी को मारने के लिए बेसमेंट में पहुँच जाता है। बॉब एक चाकू को लेकर बेसमेंट में पहुँच जाता है और वो वहाँ पर जाकर एनजी को मारने वाला था कि तभी एनजी उसके पैर में एक कटर की मदद से कट लगा देती है, और ये कटर एनजी को रैबिट ने ही दिया था उसकी सेफ्टी के लिए। फिर बॉब लंगड़ाता हुआ एनजी के पास पहुँचता है और वो एनजी को मारने ही वाला था कि तभी रैबिट बॉब की कार से एक रॉड निकाल कर लाता है और पीछे से बॉब को दे मारता है। रैबिट बॉब को घायल कर देता है और उसे जोर से पकड़ लेता है, और बॉब उससे कहता है कि रैबिट उसे नहीं मार सकता क्योंकि उसने उसे बच्चे की तरह पाला है और वो भी उसी की तरह बनने वाला है। रैबिट को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो बॉब का चाकू लेता है और बॉब को मार डालता है। बॉब को मारने के बाद रैबिट बॉब की लाश को वहीं बेसमेंट में गाड़ता है और बॉब को उसके किए की सजा मिल जाती है। रैबिट को बॉब के घर से एक लेटर मिलता है जिसे पढ़ने के बाद में सारे राज खुल जाते हैं। रैबिट बॉब के घर से बचकर अपने पिता के घर जाता है और उसे वो लेटर देता है जो कि उसे बॉब के घर से मिला था। रैबिट के पिता उसे पहचान नहीं पाते कि आखिर उसके दरवाजे पर कौन खड़ा है, और कुछ समय के बाद में उसे याद आता है कि ये उसका बेटा टिम है। टिम सामने अपनी स्टेप मॉम को देखता है और वो उसके सामने ही अपने पिता के सारे राज खोल देता है। टिम यानी कि रैबिट आगे ये बताता है कि बॉब और कोई नहीं बल्कि उसके पिता का ही बड़ा भाई था, और टिम के पिता ने जानबूझकर अपनी माँ को अपने सीरियल किलर भाई से मरवा डाला। यानी कि इतने सालों पहले जो टैक्सी वहाँ पर आई थी उसे उसके पिता ने ही भेजी थी। टिम के पिता टिम को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी स्टेप मॉम उसे रोक लेती है, और फिर टिम के पिता उसकी ही स्टेप मॉम को बुरी तरह से पीटने लगता है। वो उसे ठीक उसी तरह मारता है जिस तरह से बॉब लड़कियों को उसके घर में मार करता था। टिम जब ये देखता है कि उसके पिता उसके स्टेप मॉम को बुरी तरह से मार रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो एक भारी भरकम चीज़ लेता है और उसके पिता के सिर में दे मारता है जिससे कि उसके पिता की मौत वहीं पर हो जाती है। फिर टिम की स्टेप मॉम घर का सारा सामान जमीन पर गिरा देती है और टिम को वहाँ से भागने को कहती है, जिसके बाद में वो पुलिस को फ़ोन करके ये बताती है कि उसके घर में कोई घुस गया और उसने उसके पति को वहाँ पर मार डाला। फिर हम ये देखते हैं कि टिम वापस से बॉब के घर आ जाता है और वहाँ का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और हम बस आवाज़ें सुनते हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है कि टिम बिल्कुल बॉब की ही तरह बिहेव करता है। और फिर हमें कार के स्टार्ट होने की आवाज़ आती है जिसे टिम लेकर कहीं पर निकल जाता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में एक लड़के की कहानी है जिसके पिता अपने ही सीरियल किलर भाई को अपनी बीवी और बच्चे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। उसे और उसके भाई को उसके पिता बचपन में बहुत यातनाएं देते थे जिसके कारण उसका भाई बॉब सीरियल किलर बन गया। बॉब अपने भाई की पत्नी को तो मार डालता है लेकिन उसके बच्चे को छोड़ देता है, यह सोचकर कि वो उससे उसके घर के छोटे मोटे काम करवाएगा। लेकिन समय के बीतने के साथ साथ बॉब को रैबिट के साथ में एक पिता की तरह बॉन्डिंग होने लगती है। अब कोई भी पिता अपना प्रोफेशन या बिजनेस अपने बच्चे को विरासत में देता है, और इसी तरह से बॉब भी रैबिट को एक सीरियल किलर बनाना चाहता था। लेकिन रैबिट एक अच्छा व्यक्ति था और वो बॉब की तरह किलर नहीं बनना चाहता था। लेकिन अंत में देखकर हमें लगता है कि शायद रैबिट भी बॉब की ही तरह किलर बन गया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि और भी कई सारे वीडियोज़ जल्द ही आने वाले हैं।